पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नहीं ना, नहीं आगे तुम लोग मोबाइल लेके नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा के चौथे दिन भी आज भी जमकर बवाल मचा हुआ है। राबड़ी देवी की अगुवाई में तमाम विपक्षी नेता जमकर हंगामा और नारेबाजी करते नजर आ रहे थे, तो वहीं राबड़ी देवी जमकर नीतीश कुमार और ललन सिंह पर हमलावर नजर आई। आपको बता दें, कल राजद की विधायिका पर नीतीश कुमार सदन में भड़क गए थे, तो वहीं ललन सिंह ने भी कर लोकसभा के बाहर राबड़ी देवी के लिए बड़ा बयान दे दिया था। इसको लेकर आज राबड़ी देवी भड़कती नजर आई और ये कहती नजर आई कि इन्हें महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, राबड़ी देवी ये भी कह रही थी कि जिस तरीके से ये लोग बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं, इससे पता चलता है कि इनके मन में महिलाओं के लिए सम्मान नहीं है। इस मुद्दे पर राबड़ी देवी भड़कते हुए क्या कुछ कह रही थी, उनका ये बयान सुने। औरत कितना तक पढ़ा लिखा है, तुम लोग मोबाइल क्या करे, मोबाइल घुसा ले तो कुछ नहीं मिलता। अरे मैडम, ललन सिंह, ललन सिंह ने जिस तरह से बोला, क्या है ये भैया? काम तो ये लोग करता है, बीजेपी का डी वाला महिलाओं का अपमान। क्या बोले थे हम लोग, या कैसे लोग लगा रहे हैं? क्या बोले थे? अरे हटा, अरे इसका तो मेरा आप सुन रहे थे। राबड़ी देवी को नीतीश कुमार हो या ललन सिंह, सब पर भड़कती नजर आई। नीतीश कुमार कल राजद की विधायिका पर भड़क गए थे, कहने लगे थे कि 2005 के पहले जिनकी सरकार थी उस वक्त क्या था ये तुम जानती हो, महिलाओं का किस तरीके से अपमान होता था ये भी जानती हो, तो फिर चुपचाप बैठो। नीतीश कुमार काफी भड़कते नजर आए थे, तो वहीं ललन सिंह भी कल राबड़ी देवी को लेकर बड़ा बयान देते नजर आए थे। कह दिया था कि उन्हें सिग्नेचर करना भी नहीं आता था, जिसके बाद आज राबड़ी देवी की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। ललन सिंह नीतीश कुमार दोनों पर ही खूब भड़क रही हैं और कह रही हैं कि महिलाओं का लगातार अपमान करने वाले हैं ये लोग और इन्हें माफी मांगनी ही चाहिए। ललन सिंह नीतीश कुमार दोनों को लेकर जमकर बरसती नजर आई राबड़ी देवी, क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।